नमस्कार दोस्तों, मुक्त का दुनिया में आप लोग को स्वागतम। दोस्तों, सिर्फ विंटर का काम करने से, विंटर का प्लांट को सेवा करने से भी सिर्फ नहीं होगा। देखिए, क्रोटन जो है ना, उसको भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो सालों भर रहता है ना दोस्तों। तो देखिए, मेरा डॉर्मेंसी में गया है, लेकिन देखते में लगता नहीं है कि डॉर्मेंसी में गया है। देखिए कितना सुंदर है, पूरा हफ्ता एक भी पत्ता गिरा नहीं है। थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पीला पीला हुआ, इसके लिए टेंशन नहीं करना है, क्योंकि ये तो सीजन है ना, पतझड़ का टाइम है। ये थोड़ा पीला होगा, नया पत्ता आएगा, इसीलिए ये जो पत्ता है ना थोड़ा पीला होता है, उसके लिए सोचने का सवाल नहीं है। इसीलिए ये पत्ता सब कुछ है ना अपने झड़ जाएगा। देखिए कड़ा कड़ा है, अभी गिरता नहीं है, लेकिन पीला हो गया। और मेन बात है फ्रेंड, ये जो है ना, एक साल हो गया था हम ये पॉट में डाले थे। देखिए कितना बड़ा पॉट है, लेकिन ये पॉट में फ्रेंड इतना रूट बाउंड हो गया, जितना पानी डालते हैं तुरंत पानी सूख जाता है। तो इसका मतलब है कि इसमें रूट बाउंड हो गया है। और इसका थोड़ा हम कर रहे थे तो देखिए एकदम बालू बालू मिट्टी, एकदम धूल हो गया है, इसमें कुछ नहीं बचा। तो ये जो पौधा को जो है ना हम निकाल रहे थे, तो सोचे कि एक वीडियो बना देते हैं, दोस्तों को दिखाते कि क्रोटन को छोड़ना नहीं है, ये तो सालों भर रहता है ना दोस्तों। तो देखिए इसका हालत को, इसका भी केयर करना है, क्योंकि ये तो साल भर रहता है। ये देखिए दोस्तों, इसको हम अभी ये देखिए खाली हो गया, एकदम ऐसे करके निकाल गया, पानी रह सूख जाता है। और इसका जो है ना रूट बाउंड हो गया, इसको निकाल के हटा करके हम दिखाते हैं फ्रेंड। देखिए कैसे ये रूट एकदम ये हो गया है, बालू हो गया, मतलब धूल हो गया। इसका जो है ना विटामिन कुछ भी नहीं बचा है। तो इसको हम पूरा निकालते हैं फ्रेंड, इसको उसके बाद में नया करके पॉट में मिट्टी डाल के अच्छा से खाद पानी देकर उसको हम लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम छुड़ा लेते हैं पहले, उसके बाद आप लोग को हम दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह हम निकाल दिए हैं, रूट सबको निकाल दिए हैं, और नहीं निकालेंगे, इतना ही रहने देंगे फ्रेंड। देखिए इसको अभी हम नया मिट्टी करके नया पॉट को तैयार करेंगे। देखिए खाली है, और ये मिट्टी को देखिए फ्रेंड, देखिए एकदम विटामिन खत्म, और कितना रूट है, देखिए इसमें पूरा रूट ही रूट है। देखिए देखिए इसमें रूट भर गया है। ये मिट्टी को अभी हम छोड़ देंगे फ्रेंड, अभी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको धूप में सुखा के चून करके फिर खाद मिला करके तब फिर हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले डालेंगे फ्रेंड, इसमें कुछ टिकरी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसे टिकरी डाल रहे हैं, छोटा छोटा चार पांच छेद हैं, उसमें एक टिकरी डाल दिए। इसमें थोड़ा सा हल्का सा ये जो है ना इसको ऐसे इसका जड़ जो है डाल देते हैं, रूट को हल्का सा। और डालते हैं हम कुछ किचन ऑयल, देखिए नीचे में एक खाद बन जाएगा। देखिए जो ये देखिए, ये सब नीचे में डाल दिए, एक खाद बन जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, इतना मटर के छिलके डाल दिए, ये नीचे में खाद बनते रहेगा फ्रेंड। ये देखिए इतना डाल दिए, और इसके ऊपर से देंगे ये मिट्टी, ये गोबर खाद मिला हुआ है मिट्टी। देखिए मिट्टी डाल दिए, अब इसको हम इसी तरह देखिए ऐसे बैठा देंगे दब दब के। इसके ऊपर से और थोड़ा मिट्टी डालेंगे, इसको दबा लेते हैं, ये जो है ना अच्छा से नीचे में खाद बनते रहेगा फ्रेंड। अभी एक साल में अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए ये देखिए हो गया, अभी हम पौधा को बैठा देंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, मिट्टी तो निकाले नहीं है, उसी में ही हम दबा दबा के बैठा दिए हैं, जो मटर का छिलका है ना उसको बैठा दिए हैं, और इसको सेटिंग कर दिए। ये देखिए अभी ये सही हो गया। देखिए अभी हम जो किचन और से जो मिट्टी तैयार करके रखे है ना, वो खाद मिट्टी को हम डालेंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें डाल लिया, देखिए जो हम बोरा में रखे हुए थे इसको उझाड़ लिए हैं। इसमें किचन का जितना ये देखिए जो हम खाद बनाए हैं किचन और से ऑर्गेनिक खाद, अब हम इसको डालेंगे फ्रेंड। ये देखिए अब इसमें चारों तरफ इसमें डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मेरा मिट्टी देना हो गया है, अभी इसमें डाल देंगे पानी। आप फ्रेंड आप लोग बताइएगा मेरा ये वीडियो कैसा हुआ, लाइक शेयर कीजिएगा, नए नए दोस्त लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। आप लोग को साथ
कमेंट पढ़ते, आप लोग साथ देते हैं, कमेंट देते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड अच्छा अच्छा कमेंट दीजिएगा, थैंक यू फ्रेंड। और इसको हम कल नहला देंगे, पौधा का पत्ता सबको, बालू सब लगा हुआ है।